शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। सावधानी पूर्वक जीवन में कोई भी निर्णय लें। कई निर्णय आपको जीवन में ऐसे लेने पड़ सकते हैं जिसके कारण आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। मन में हताशा हटाएं और आंख बंद कर किसी पे भरोसा मत करें। खासकर बच्चों से आप धोखा खा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस प्रकार लोगों को सोचते हैं या किसी व्यक्ति का ओरा हम बना के रखते हैं, जब वह व्यक्ति उस प्रकार का नहीं निकलता तो हमें तकलीफ होती है। तो कुछ ऐसा ही समय आपके साथ अभी चल रहा है, सोच समझ कर निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। जिनकी राशि वृषभ है उनके जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है। आपको लाभ की स्थिति मुझे लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रयास करें आप अपना रुका हुआ धन पुनः प्राप्त कर सकते हैं, चीज़ों को पहले से बेटर कर सकते हैं। थोड़ी सी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है आपको, लेकिन उससे भी निपटने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लगातार किया गया प्रयास ही हमें सफलता दिलाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय आपके लिए अच्छा है। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मिथुन है उनके जीवन में अगर बहुत दिनों से विवाह के योग नहीं बन रहे थे, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन रहे थे, तो ये समय आपके लिए बेटर है। आपको लाभ की स्थिति दिलाएगा और आपकी चीज़ें पहले से बेटर होंगी, चीज़ें सुलझ कर भी आएंगी और आपके जीवन में आपको एक नई एनर्जी लेवल फील होगा, जिससे कि आपके जीवन की स्थितियाँ पहले से बेटर होंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कर्क है उनकी स्थिति भी पहले से बेटर है। लाभ होगा आपको, अचानक धन लाभ हो सकता है। व्यापारिक विवाद आपका अगर कोई चल रहा हो तो खत्म हो सकता है। पारिवारिक में भी थोड़ी आपकी शांति रहेगी। कोई बड़ा कार्य आपके जीवन में घट सकता है जिससे आपको धन लाभ होने की संभावना मुझे प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें। और कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के बहकावे में आकर कुछ चीज़ें गलत कर जाते हैं, तो उस चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें, नहीं तो आपको लंबा नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। सिंह राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है। आपको धन तो मिलेगा ही, साथ साथ आपका सामाजिक स्थिति भी पहले से बेटर होगी। अगर आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आप सफल हो सकते हैं। बस आपको करना ये है कि चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेकर सही ढंग से सही नीति का निर्धारण करना है, जिससे कि आप सफल हो सकें। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि कन्या उनकी स्थिति भी पहले से बेटर है। लाभ होगा अचानक आपको, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके ग्रह होगा सपोर्ट आपको आज नहीं प्राप्त होगा। वाहन आपको सोच समझ कर चलाना है। आज के दिन किसी को पैसे उधार न दे और जितना हो सके यात्राओं को टाले, ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को थका हुआ से महसूस करेंगे। कार्य के प्रति आपकी जो उदासीनता है वो आपको कहीं ना कहीं निगेटिव करेगी। चीज़ें आपकी उस रूप में बेटर नहीं हो पाएंगी जिस रूप में आप चाहते हैं। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितने कि आप उसको लेकर चल रहे हैं। चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करें, निगेटिविटी से बाहर निकलें और अपने मन की इच्छाओं को प्रबल करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। मित्रों का आपको धोखा दे सकते हैं और किसी के साथ व्यापार की शुरुआत अभी ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में भी पहले से स्थिति बेटर नहीं है। आज के दिन आपको ये सावधानी है कि पैसों का लेन देन ना करें, किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, चीज़ों को जिस रूप में आप ले रहे हैं उसी रूप में चलने दें। प्रेम संबंधों में व्यर्थ का विवाद ना करें, खासकर पत्नी और प्रेमिका के बीच सामंजस्य बिठाने का तो प्रयास बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। भाई के साथ आपका विवाद बढ़ सकता है और आपकी माता के स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। धनु राशि वालों के जीवन में स्थिति पहले से बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में व्यथा है, प्रेम संबंधों में असफलता है। जिस प्रकार आप अपने जीवन की प्लानिंग कर रहे थे उस प्रकार आपको लाभ नहीं मिल पाया। देखिए, कई बार हमारे पास धन बहुत होता है या हमारे पास आवश्यकताएँ या हमारे जीवन की पूर्ति करने वाली चीज़ें या हमारे भौतिक चीज़ों का सुख तो हमारे जीवन में होता है, लेकिन हम मानसिक तौर से इतने अकेले होते हैं कि वो चीज़ें को एंजॉय करना हमारे बस में नहीं होता। तो अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी के साथ रहेंगे तो आपके जीवन में निगेटिविटी का सर्कल बढ़ जाएगा और आने वाले कुछ समय में आपको बहुत सोच समझ कर चलना है, क्योंकि आपको लगातार कार्य में व्यवधान पड़ने की पूरी संभावनाएं मुझे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर नहीं है। आपका जीवन दो राह पे आ गया है। जब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको ये सोच समझ कर चलना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है।
कई बार हमारे द्वारा की गई एक गलती हमारे पूरे भविष्य को खराब कर देती है, तो सोच समझकर जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में भी पहले से स्थिति बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक व्यथा है आपके जीवन में। फाइनेंशियल आप अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने फाइनेंस की स्थिति को ठीक करें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को अनदेखा ना करें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कह रहे हैं। तो जिनकी राशि मीन है उनकी स्थिति पहले से बेटर है, लाभ होगा आपको, अचानक धन लाभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका विवाद हो सकता है, किसी प्रिय मित्र से आपकी बहस हो सकती है और किसी अनदेखे व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश हो सकता है, जो आपके जीवन में आपके भविष्य में आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए समय समकारी है। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे हैं अपनी राशियों का हाल सितारों की गति के अनुसार। नमस्कार।